नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। ये सभी ऑब्जेक्टिव रूप में इनके क्वेश्चंस, यानी कि कंप्यूटर जीके मॉक टेस्ट। तो इस तरह के हम लोग अभी तक 20 आपके टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 21वां टेस्ट है। कौन सा? 21वां। तो याद रखिए, इससे पहले आप लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को डिटेल से पढ़ लीजिए, यानी कि विस्तार से पढ़ लीजिए चैप्टर बाय चैप्टर, तब आपको बेहतर फायदा होगा और आप सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कहीं से भी पढ़िए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को, और हमारी तरफ से भी आपका कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पूरा कवर किया गया है। ये इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग हमारे 15 हमने चैप्टर ख़त्म किए हैं, प्लस ये सभी मॉक टेस्ट जो सॉल्व कर रहे हैं, इन्हें आप लोग कवर कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके से संबंधित नहीं छूटेगा। फिर चाहे वो लिखित रूप में हो, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव रूप में, आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे उन्हें। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सभी पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का भी हम लोगों ने कवर किया है, उसके बाद आपका कंप्यूटर का। तो अगर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए जाना है, तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, और अगर कंप्यूटर का देखना है तो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। उसमें सभी चैप्टर आपके डले हुए हैं और बहुत ही साधारण शब्दों में समझाया गया है वहाँ। ठीक है, तो पढ़ लीजिए। चलिए, तो हम लोग 21वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है मतलब पहला क्वेश्चन क्या है? इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पररी या फिर वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पररी या फिर वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, रैम को। क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा आपका? डी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला उपकरण है आपका मॉनिटर। दूसरे क्वेश्चन में आपका डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा आपका? सी। क्वेश्चन है आपका 4। क्या क्वेश्चन? मैं स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स व्यक्त करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? पेज डाउन। 5 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 5 में बी होगा। क्वेश्चन हमारा 6वां। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? ए ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है, क्या है इसमें? मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा आपका? ए। ठीक है, क्वेश्चन है 8। बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को कहते हैं,
वायरलेस, जिसमें वायर का प्रयोग ना हो। आठ में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है नौ, स्प्रेड शीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। नौ में क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन है दस, वर्कशीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वर्क बुक। दस में क्या होगा आपका? ए। दस में ए ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन है आपका 11, प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है, सॉफ्टवेयर। 11 में क्या है आपका? ए। क्वेश्चन है 12, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है, सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 13, क्या यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई स्पर्श कर सकता है? यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई स्पर्श कर सकता है, हार्डवेयर। कौन सा है? हार्डवेयर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 14, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका होता है सूचना स्टोर करने के लिए। किसके लिए? सूचना स्टोर करने के लिए। 14 में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 14 में डी होगा। क्वेश्चन है हमारा 15, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 15 में क्या है? बी। याद रखिए, इस तरह के जो भी आपके फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इनसे संबंधित आपकी एक क्लास, पूरा एक क्लास लिया गया है। जो भी कंप्यूटर से संबंधित आपके संक्षेप नाम है, उनका विस्तार नाम है, उनसे संबंधित पूरी एक क्लास है, वो सब कुछ कवर किया गया है। तो वहीं जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके अधिकतर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 16, उपयोगकर्ता प्रोग्राम को एक अनलिस्ट कंप्लिस करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इन इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग। 16 में क्या होगा आपका? बी। 16 में बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 17, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है क्या है? ए कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। 17 में आपका ए होगा। 17 में क्या होगा? ए। पता है आपको, अगर डिटेल यानी कि विस्तार में आप लोग पढ़ लेते हैं तो इनपुट आउटपुट के बारे में आप एक समझ बन जाएगी। पर कुछ भी आता है, इनपुट पूछता है, आउटपुट पूछता है, तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है? वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिक को आइडेंटिफाई करता है, किसे? 18 में आपका बी, वेबसाइट। 18 में क्या होगा? बी। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, मैं ऐसी कमांड्स होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। मेन्यू। 19 में क्या होगा? 19 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 20, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? डॉक्यूमेंट फाइल। 20 में क्या होगा आपका? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ,
क्या है क्वेश्चन हमारा 21। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? मशीनी भाषा। 21 में आपका बी। क्वेश्चन है 22, इनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा है? इनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा है? कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये सभी। 22 में क्या होगा आपका? ई। 22 में ई। क्वेश्चन हमारा 23, ऑब्जेक्ट ओरिएंटल ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु है? ऑब्जेक्ट क्या है? डी ऑप्शन 23 में आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 24, चार बिट्स बराबर होता है? चार बिट्स बराबर होता है एक निबल। 24 में आपका सी होगा। 24 में क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 25, मेमोरी बैंक कहते हैं? मेमोरी बैंक कहते हैं। किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क को। 25 में आपका बी है। क्वेश्चन है 26, विंडो क्या है? विंडो क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। 26 में आपका डी है। क्वेश्चन है 27, यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है? डेटा। 27 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपका 28, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं? क्या है आपका? क्या कहते हैं इसे? इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने की कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं? डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। 28 में आपका सी होगा। 28 में क्या होगा? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। डी एम ए का पूरा नाम क्या है? डी एम ए का पूरा नाम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। 29 में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन हमारा 30, क्या है क्वेश्चन 30? निम्नलिखित में कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लॉजिक गेट नहीं है? एंड है, और है, नॉट है, लेकिन नेट नहीं है। 30 में आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन एक बस बस का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बस का प्रकार नहीं है? डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, लेकिन सॉफ्टवेयर बस नहीं है। तो 31 में क्या होगा आपका? डी। 31 में क्या होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रोसेस में जो बड़ी मात्रा में लोगों द्वारा अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? डेटा माइनिंग। 32 में आपका ए है। 32 में क्या है? ए। क्वेश्चन है 33, कण जिसकी संरचना 1 से 100 नैनोमीटर तक है उनका अध्ययन कहलाता है? नैनो साइंस। 33 में आपका ए है। 33 में क्या है? ए। क्वेश्चन हमारा 34, DSL कनेक्शन का उदाहरण है? DSL कनेक्शन का उदाहरण है आपका ब्रॉडबैंड। 34 में क्या होगा आपका? डी। ठीक है, 34 में क्या होगा? डी। क्वेश्चन
क्वेश्चन है हमारा 35। सीपीयू और मेमोरी पर स्थित होते हैं, सीपीयू और मेमोरी पर स्थित होते हैं मदरबोर्ड। 35 में क्या होगा आपका बी। क्वेश्चन है आपका 36। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, ये थे आपके जॉन वॉन न्यूमैन। 36 में क्या है बी। 36 में बी। क्वेश्चन है हमारा 37। ब्लू रे तकनीक द्वारा विकसित की गई है, ब्लू रे तकनीक द्वारा विकसित की गई है सोनी। 37 में आपका ए होगा, 37 में क्या होगा ए। क्वेश्चन है 38। पहला टेक्नो पार्क भारत में स्थापित किया गया, पहला टेक्नो पार्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया, तिरुअनंतपुरम में। 38 में आपका डी होगा, 38 में क्या होगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। एक स्टेटस बार होता है एक सॉफ्टवेयर विंडो में, स्टेटस बार होता है एक सॉफ्टवेयर विंडो में टास्क बार के ठीक ऊपर। 39 में क्या होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन है 40। इनमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा एक फॉन्ट टाइप नहीं है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, कॉमिक सेंस, ये सभी। 40 में आपका डी होगा, ये सभी नहीं है, ठीक है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 41। क्या 41 क्वेश्चन, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह शब्द किस जनरेशन से संबंधित है, यह आपकी 5वीं जनरेशन से संबंधित है। 41 में क्या आपका डी। क्वेश्चन है 42। इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है, 1000 माइक्रोन, 42 इंकजेट प्रिंटर से बनी इंक की बूंदों का व्यास कितना होता है, 42 में आपका होगा सी होगा माइक्रोन, क्या होगा सी। याद रखिए हमेशा मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए, लेकिन फिर भी अगर धोखे से गलती से मेरी गलती से अगर कहीं क्वेश्चंस का आंसर बताने में गलती हो जाती है तो उसका आंसर आप लोग सही करके कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिएगा, जिसे कोई और आता है तो उसे सही आंसर पता चल सके। 42 में आपका क्या, 42 में सी। क्वेश्चन है हमारा 43। एमएस डॉस में कितने प्रकार के आदेश होते हैं, दो, कितने होते हैं दो, ए ऑप्शन सही है 43 में। बात करते हैं 44। जावा प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा बनाई गई है, जेम्स गॉसलिंग द्वारा, 44 में क्या होगा डी। क्वेश्चन है 45। CAN का पूरा नाम क्या है, CAN का पूरा नाम है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, 45 में आपका बी। इस तरह के जितने भी आपके संक्षेप नाम हैं उन्हें याद कर लीजिए, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। उस अध्याय को देख जरूर लें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी, और नहीं कर रहे हैं तो भी, क्योंकि कई बार हमसे नॉर्मल सामान्य ज्ञान के लिए भी पूछ लेते हैं कई लोग, तो हमें याद होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म CPU का क्या मतलब होता है, इनपुट क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो सेपरेट क्लास आपकी
संक्षिप्त नाम से ही बनी हुई है, इन्हीं पर आधारित। 46 क्वेश्चन है आपका। AMD द्वारा 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? ऑप्टन 46 में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 47। क्वेश्चन क्या है 47 का? क्वेश्चन आपका, निर्णय लेने के लिए फ्लोचार्ट में किस आकृति का उपयोग किया जाता है? ये आपकी डायमंड। 47 में आपका सी। क्वेश्चन है 48, कंप्यूटर की वह मैन चिप क्या कहलाती है जिसमें कंप्यूटर की सारी ताकत निहित होती है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 48 में ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 49, जब माउस को प्रयोग में लाया जाता है तब उसकी ट्रेल किस तरह होती है? शरीर से दूर। 49 में आपका बी। क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग भाषा है जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा निर्मित और वेब पर भली भांति सूट करती है? ये आपकी जावा स्क्रिप्ट। 50 में क्या है आपका डी। तो चलिए, ये था आपका 21वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 22वें टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओके।